हेलो फ्रेंड्स, मैं अनप्रिया। वेलकम टू माय देसी कुकिंग, ईट देसी ईट हेल्दी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ मूंगफली की लड्डू। ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो मूंगफली और तिल के लड्डू, तो यहाँ पे मूंगफली को मैंने जो है इसको अच्छे से जो है भून लिया है। भूनने के बाद जो है इसका छिलका मैंने देखिए उतार दिया है। थोड़ा बहुत रह जाएगा तो कोई बात नहीं, तो इसको जो है हम लोग दरदरा एकदम पीस लेंगे। तो ये देखिए मैंने पीस लिया है और इतना ही दरदरा रहना चाहिए। बहुत ही दरदरा, एकदम पाउडर इसका नहीं बनाना है, इसमें पानी भी नहीं डालना है। तो ये मैंने पीस लिया है। इसको पीसने के बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जार में ही ये तिल है भुना हुआ, इसके भी डाल के मैं पीसूँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है। यहाँ पे जार में ये तिल डालेंगे। मैंने बराबर लिया था एक जितना मूँगफली था, दो कटोरी, और दो कटोरी मैंने तिल लिया है। तो तिल को भी भून लिया है मैंने, और तिल को इसमें डालने के बाद जो है इसमें मैं सौंफ डालूंगी। सौंफ से लड्डू बहुत ही टेस्टी बनेगा। सौंफ है और इलायची पाउडर है, और ये बादाम है एक कटोरी, छोटी कटोरी से काजू है। ये ऑप्शनल है, अगर आप डाल, अगर अच्छा लग रहा है तो आप डाल दें, बहुत ही टेस्टी लगता है। और इसको बंद कर देंगे। तो ये देखिए मैंने तिल को और बादाम जो था वो सबको मैंने पीस लिया, और यहाँ पर जो ये मैंने मूँगफली लिया था पीसा हुआ, इसी में इसको मिला देंगे। और इसमें देसी घी डालेंगे थोड़ा सा, और इसी में जो है हम लोग, मैं गुड़ डाल रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे गुड़ भी लिया था मैंने दो कटोरी, और इसको सब अच्छे से मिक्स करना है। और इसको जो है ऐसे ही करके अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब आप इसमें जो है चीनी डाल सकते हैं, वो भी अच्छा लगेगा। मैंने यहाँ पे गुड़ डाला है। इसको अच्छे से मिक्स करके अब बस लड्डू बनाना है इसका। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैं मुट्ठी से ऐसे बांध रही हूँ तो बन रहा है लड्डू, तो ठीक है अब ऐसे ही बांध लेंगे। आप इसमें घी डाल दिए, अगर बाइंडिंग नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा सा घी या हल्का सा दूध भी पका हुआ डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा बन जाता है लड्डू। लेकिन यहाँ पे मैंने गुड़ डाला है, इससे भी ये बहुत ही परफेक्ट बन रहा है। तो मैं ऐसे ही राउंड राउंड जो है लड्डू बना लूँगी। तो ये देखिए मेरा मूँगफली और तिल की लड्डू रेडी हो गए। तो ये बहुत ही झटपट सा बनता है, बस जो भी टाइम लगेगा इसको रोस्टेड भूनने में ही लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। बच्चे ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, ऐसे बना के आप उनको खिला सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।